गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल के आप लोग प्रिय सहिता, मैं हूँ सहिता बंसल। तो कल हम लोग पीछे से आ गए थे और इतना थक गए थे, डिनर करते हम लोग सो गए थे। तो अगर आपको मेरा पिज्ज़ा का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। हेलो, सो दिस इज़ द न्यू डे। राइट नाउ आई एम इन फ्लोरेंस और आज हम लोग पूरा दिन फ्लोरेंस ही घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फेमस यहाँ का डोमो है वो देखने जा रहे हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर फ्लोरेंस विथ मी, कम। तो ये है फ्लोरेंस का फेमस डोमो। डोमो मीन्स चर्च। अगर आप फ्लोरेंस सर्च करोगे गूगल पे तो आपको यही सब फ़ोटो सबसे पहले दिखाई देगा फ्लोरेंस के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल था, हम अंदर नहीं गए थे। आप डोमो को अंदर से भी देख सकते हो और उसके लिए टिकट्स आप पहले ही ऑनलाइन बुक कर लो ताकि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा जल्दी आके ही लाइन में लग जाओ क्योंकि अदरवाइज़ दिन में बहुत भीड़ हो जाती है। आप यहाँ देखने के बाद हम लोग आए हैं प्याज़ा डेला रिपब्लिका स्क्वायर। ये जो पूरा स्क्वायर है इसको प्याज़ा डेला रिपब्लिका स्क्वायर बोलते हैं। और हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे रेस्ट किया, थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय किया, यहाँ पे बिल्डिंग्स को एंजॉय किया, मेरी डॉटर ने राइड को एंजॉय किया। तो आप भी आराम से यहाँ आ सकते हो और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो है और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हो। फ्लोरेंस की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था और आर्किटेक्ट था वो थोड़ा डिफरेंट ही था, बहुत एंशिएंट टाइप लग रहा। रिपब्लिका स्क्वायर देखने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं प्याज़ा सिग्नोरिया। यहाँ पर जो है ओपन स्कल्पचर्स हैं बहुत सारे, तो आप उनको देख सकते हो। बहुत ही एंशंट पूरा जो ये स्क्वायर है, इसी स्क्वायर पे यहाँ पे जो माइकल एंजेलो ने डेविड का स्कल्पचर बनाया था जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, वो भी है बट ओरिजिनल नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो आपको गैलरिया अकेडमी है, म्यूज़ियम है, वहाँ जाना पड़ेगा। बट अगर आप वहाँ नहीं जाते हो तो यहीं पर उस डेविड का जो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर है उसको आप इन्जॉय कर सकते हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये स्क्वायर है, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस जगह को। तो आप भी इन्जॉय करें, इस वीडियो को देखें। जो ये लेफ्ट स्कल्पचर है वही डेविड स्कल्पचर है जो कि डुप्लीकेट है ओरिजिनल वन का। Thank you.
So this is the daily sculpture. प्याजा सिग्नोरिया देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ का फेमस ब्रिज पोंटे विचो, जो कि फेमस है और एकमात्र ब्रिज है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बच गया था फ्लोरेंस के अंदर। और यह इसलिए फेमस है क्योंकि इसी ब्रिज के ऊपर दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई हैं, ज्वेलरी शॉप्स। तो समथिंग डिफरेंट है, लाइक मैंने तो पूरे यूरोप में ऐसा कोई ब्रिज नहीं देखा जिसके ऊपर शॉप बनी हो। तो या इट्स अमेजिंग, इट्स यूनिक एक्सपीरियंस इन दिस। और वहाँ से जो व्यू था वो भी बहुत ही अमेजिंग सा आ रहा था। ये वाला जो वीडियो है मैंने अपोजिट ब्रिज से लिया था पॉइंट विंचो का।